हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं होंडा की वीडियो है, 2015 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। मैं इसका एसी चालू रखा हूँ पर ब्लोड देख रहे हैं आप, चार पे रखा हूँ और हवा का डायरेक्शन सामने रखा हूँ पर हवा सामने आई नहीं थी। देख पा रहे हैं आप पेपर को, ये जो पेपर है उसको हवा के प्रेशर से उठा ही नहीं पा रहा है। हमने इसको खोल रखा है, ये सब खोलने जा रहा हूँ। ब्लोड का डक्टिंग चार पे है लेकिन हवा जरा भी नहीं आ रही, देखेंगे खोल के क्या हुआ है अंदर, जो हवा नहीं आ रही है। चलो फिर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ पूरा सेटअप। खोलने के लिए सबसे पहले जो ये देख रहे हैं 10 नंबर, वो खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो 10 नंबर दिख रहा है वो खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये सब खोलना पड़ेगा। फिर ये मेरा ब्लोर बाहर आ जाएगा, फिर जब बाहर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे क्या हुआ है अंदर, जो कि हवा नहीं आ रही है। चलो फिर खोलना स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं मैं इसको खोल दिया है और ये इजीली बाहर आ जाएगा लग रहा है। चलो मैं इसको बाहर लेके फिर आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं मैं ब्लोर की पूरा ट्रे निकाल चुका हूँ और ये रही, ये वाला फाइबर खोलना पड़ेगा मेरे को, तभी जाकर के कूलिंग कॉइल साफ दिखेगा। वैसे भी दिख रहा है यहाँ से जैसा कि आप देख पा रहे हैं लेकिन साफ नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको खोल लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैं स्क्रू खोल दिया उसका, देख रहे हैं ये इजीली निकल गया मेरा। और कूलिंग कॉइल अब आप जाके दिखा देता हूँ आपको, देख पा रहे हैं कितना मट्टी भरा पड़ा हुआ है, इसके वजह से एयर का फ्लो नहीं आ रहा था। तो चलो अब हम इसको निकालेंगे, कूलिंग कॉइल को सर्विस करेंगे इसका अच्छा से, फिर फिटिंग करेंगे। ताकि आप देख पा रहे हैं ये 2 एलेंकी थी, मैंने खोल दिया और बाहर आ जाएगा। मैं गैस रिकवरी कर चुका हूँ, लगा दिया हूँ, अभी रिकवरी हुआ नहीं है। फिर मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ से एक्सपेंशन वाल के पास से निकल जाएगा, फिर हम इसको बाहर लेते हैं, बाहर लेके फिर आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं कूलिंग कॉइल बाहर ले लिया हूँ। आप जैसा कि देख रहे कितना घान हो गया, इसके वजह से एयर का फ्लो आ नहीं रहा था। देख पा रहे हैं आप कितना कचरा पूरा जमा हो गया है, इसकी वजह से एयर जरा सा भी नहीं आ रहा था। चलो अब हम इसको क्लीन करते हैं फिर फिटिंग करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसको क्लीन करके हम लेके आ चुके हैं, देख पा रहे हैं कूलिंग कॉइल कैसा है, देखो पूरा क्लीन हो चुका है अपना कूलिंग कॉइल। वीडियो का है, 2015 मॉडल का है, पेट्रोल का है। चलो अब हम इसको फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। फाइनली हम कूलिंग कॉइल फिट कर चुके हैं, इवेपोरेटर कॉइल। अब मेरे को ये लगाना बाकी है, ये लगा के फिर ब्लोअर वगैरह सब फिटिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसको फिटिंग कर दिया है पूरा, देख रहे हैं सब जो भी बोल्ट खोले थे सब फिट कर दिया हूँ इसका। तो अब एयर का फ्लो हम देखते हैं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जैसा कि देख रहे हैं ब्लोअर में 2 पे रखा हूँ और मैं एक पेपर ले रहा हूँ, पेपर की सहायता से आपको दिखा रहा हूँ। देखो 2 में कितना हवा आ रही है, 4 में देखिए यहाँ तक फेंक रहा है, आवाज भी आता होगा आपको क्योंकि उस टाइम 4 में जब हम चालू कर रहे थे ना तो एयर का फ्लो 1 में जैसा आ रहा है अभी उस टाइप का आ रहा था, यानी अब भी इसका सिस्टम प्रॉपर हो चुका। आपको कूलिंग कॉइल में दिखाया खोल के कितना कचरा था, कितना एकदम पूरा मट्टी जाके भर गया था इवेपोरेटर कॉइल में, इसकी वजह से एयर को बाईपास नहीं कर पा रहा था और कूलिंग भी नहीं हो रही थी। तो कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए, हमने एसी चालू रखा है, 7.8 पे आ चुका है, एयर डायरेक्शन फ्लो प्रॉपर चल रहा है, आउटसाइड एयर भी प्रॉपर हो गया है, चल रहा है। अब हम इसका हीटर हाई करता हूँ, हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं कितना तक जा रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये रही रियर डिफोगर, देखते हैं हीटिंग टेम्परेचर थोड़ी देर रुक जाता हूँ और कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 49 तक आ चुका है हीटिंग टेम्परेचर, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो गया अभी। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज।